हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिटी की टिवारियो चैनल। तो फ्रेंड्स, आपके सामने है मेरा ब्यूटीफुल सा फ्लावरिंग प्लांट, और ये परमानेंट प्लांट है, लंटाना का प्लांट है। और लंटाना का जो प्लांट होता है, डिफरेंट कलर के इस पर फ्लावर आते हैं। तो मेरे पास ये एक ही प्लांट है और इस पर मेरे 3 डिफरेंट कलर के फ्लावर आते हैं एक ही प्लांट पर, और एक ही प्लांट है ये। तो देखिए, इस पर फ्लावर जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस पर जब फ्लावर स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें क्या इसमें ऐड करना चाहिए ताकि इसके फ्लावर जो है और भी बंचेस में अच्छे से आए। जब किसी भी प्लांट पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस पर हमें कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग दे। तो यहाँ पर मैं इसमें सबसे पहले गुड़ाई करूँगी। तो किसी भी पॉट में जब आप खाद वगैरह ऐड करते हो तो सबसे पहले उसमें गुड़ाई कर लेनी है। ये मेरा 12 इंच का पॉट है और बिल्कुल ग्रिल के पास रखा हुआ है, जहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं होती है, बिल्कुल ऐसी जगह रखा है। तो बहुत अच्छे से मैं इसमें गुड़ाई कर लेती हूँ, और उसके बाद इसकी रूट जो है वो सारी की सारी ओपन हो जाएंगी। थोड़ी सी रूट आप ओपन कर दो, मिट्टी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो इतना ही काफ़ी होता है। गुड़ाई जो है वो आपको महीने में या 20 से 22 दिन का गैप देकर ज़रूर करनी चाहिए, और वाटरिंग आपको हमेशा ध्यान रखकर करनी चाहिए। जब इसमें ज़्यादा पानी हो तो आपको वाटरिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरा पॉट जो है आपको दिख रहा होगा, ऊपर से काफ़ी सारा खाली है, तो मैं इसमें खाद वगैरह और मिट्टी वगैरह कुछ ऐड करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें मिट्टी ऐड करेंगे। अगर आपके पॉट में जगह खाली ना हो तो आप ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी हटा लीजिए। यहाँ पर मेरी जो मिट्टी है, मैंने मिट्टी रेडी कर रखी हुई है, इसमें मेरा मिला हुआ है कंपोस्ट, तो वही मिट्टी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक मुट्ठी के करीब मैंने लिया है अपनी नीम की खली, एप्सम सॉल्ट लिया है 1 स्पून के करीब, 10-15 दाने लिए हैं DAP के, और ये लिया है मैंने एक ऑर्गेनिक खाद जो मैं लाई थी अपना साकेत इवेंट में से, वहाँ से लाई थी मैं, इसका नाम शक्ति करके कुछ था। उसकी क्लिप मैं वीडियो के बीच में ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी एक मुट्ठी के करीब अपना वर्मी कंपोस्ट, हाफ मुट्ठी भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 1 से 1.5 मुट्ठी के करीब मैं इसमें डालूंगी अपनी गोबर की खाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाय की पत्ती, ठीक है। आई होप आप सबने क्लियर देख लिया होगा। चाय की पत्ती को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद धूप में रखे सुखाया है 1 से 2 दिन के लिए, और ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो जब हमने मिट्टी और कंपोस्ट वाला खाद ऐड किया था तभी आप इसको डाल सकते हो, या फिर जैसे मैं अब डाल रही हूँ ऐसे डाल लो, ठीक है। खाद जितनी भी आप ऐड करोगे ऐसे करना है, और ये महीने में आपको सिर्फ एक बार ही करना है क्योंकि आपने प्लांट देख लिया है। अब इसका सीज़न आने वाला है, फ्लावरिंग इस पर स्टार्ट हो चुकी है बिना कुछ किए ही, तो ये खाद आपको ऐड करना है। ये सभी प्लांट पर लागू होता है, चाहे आप ये वीडियो गर्मियों में देख रहे हों या सर्दियों में देख रहे हों। अगर उस प्लांट का सीज़न आ चुका है और उसमें फ्लावरिंग आने वाली है या बर्ड बन चुकी है, तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको करके बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और ये सब डालने के बाद आपको मिट्टी को फिर से मिक्स कर देना है, गुड़ाई टाइप की कर देनी है, और आपको गुड़ाई जो है वो आपको लगभग हफ्ते में या 10-12 दिन का गैप देकर ज़रूर करनी चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र चैनल पर बहुत सारे हैं, बदल बदल कर डालते रहिए। ये जो प्लांट है लंटाना का, इसमें थोड़े से वाइट कलर के मिली बग्स जो चिपचिपे टाइप के होते हैं वो लग जाते हैं, तो उसके लिए आप नॉर्मल घर का नीम ऑयल जो होता है या फिर मार्केट से ला सकते हो। आप नीम ऑयल का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, पानी में डाइल्यूट करके उसका स्प्रे कीजिए, एंजाइम का स्प्रे कर सकते हो, 2 से 4 दिन का गैप दे देना जो भी मैं बता रही हूँ, आप इस पर स्प्रे कर सकते हो। विनेगर का आप इस पर स्प्रे कर सकते हो, जो हम घर में खाते हैं खाने वाला सोडा, जिसे मीठा सोडा बोलते हैं, उसको भी डाइल्यूट करके उसका भी स्प्रे कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर ओनियन पिल के फर्टिलाइज़र बनाना सिखाया था, और नीम की पत्तियों का फर्टिलाइज़र बनाना सिखाया था, वो भी पेट्स वगैरह जो लग जाते हैं उन सबको भगाने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। कटिंग के थ्रू भी आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हो। तो पूरा का पूरा जो इसका मेथड है वो एक वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो मेरे प्लांट पर तो देखिए ये साल भर होता रहता है, रुक रुक कर फ्लावरिंग करता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक प्लांट पे ज़बरदस्ती उसको खाद वगैरह ऐड करती रहूं और ज़बरदस्ती उसको पुश करूं कि भैया फ्लावरिंग करो, भैया फ्लावरिंग करो, ऐसा नहीं है। जैसे हम सुबह से शाम तक या दोपहर तक लगे रहते हैं, बीच में 15-20 मिनट का
रेस्ट लेते हैं वैसे ही हमारे प्लांट है, तो आपको इनको भी थोड़े टाइम के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना चाहिए। जब आपको ऐसा लगे कि इस पर बड़ बन रही हैं तब आप इस पर खाद वगैरह ऐड कीजिए, तो ये इसके लिए बेस्ट होगा। तो प्लांट मेरा एक ही है और आप देख सकते हो काफ़ी बुशी प्लांट है ये। तो ये सब करने के बाद आप क्या करोगे, वाटरिंग करोगे। प्लांट की मिट्टी मेरी अच्छी खासी सूखी है क्योंकि विंटर सीजन जो है वो अभी चल रहा है और आज मैंने किसी भी प्लांट में वाटरिंग नहीं की है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें वाटर ऐड कर देती हूँ। और वाटर आपको चेक करके डालना, ऐसा नहीं है कि आपके पॉट की मिट्टी सौगी पड़ी हुई है या किचड़ उठा हुआ है और आप इसमें भर भर का वाटरिंग करे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको एक से दो दिन का गैप देकर वाटरिंग करनी है। आपने देखा कितनी जल्दी मेरा वाटर जो है नीचे चला गया, बिकॉज मैंने इसकी मिट्टी जो है बहुत अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बनाई है। तो साल में सिर्फ हम दो बार ही अपने सभी प्लांट में खाद वगैरह ऐड करते हैं जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं। एक बार हम करते हैं फरवरी में जब हमारा बसंत पंचमी आती है, जब हमारा स्प्रिंग स्टार्ट हो जाता है, और एक बार करते हैं हम सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, तो ये पक्का पौधा है, परमानेंट प्लांट है, धूप में चलता है, तो धूप इसको दीजिए और इसके फ्लावर का मज़ा उठाइए। अगर आपके पास प्लांट होगा तो आपको पता ही होगा इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आती है, तो मुझे तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।